सीआईटी एन सीई आर टी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा सात की गणित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनि पाठ अध्याय तेरह घातांक और घात पृष्ठ दो सौ पैंसठ तेरह दशमलव एक भूमिका क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान यानी मास क्या है यह है पाँच नौ सात शून्य 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 किलोग्राम है क्या आप इस संख्या को पढ़ सकते हैं यूरेनस ग्रह यानी यूरेनस का द्रव्यमान आठ छ आठ शून्य 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 किलोग्राम है किसका द्रव्यमान अधिक है पृथ्वी या यूरेनस ग्रह है सूर्य यानी सन और शनि यानी सैटन के बीच की दूरी एक चार तीन तीन पाँच शून्य 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 मीटर है तथा शनि और यूरेनस ग्रह के बीच की दूरी एक चार तीन नौ शून्य 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 मीटर है क्या आप इन संख्याओं को पढ़ सकते हैं इनमें कौन सी दूरी कम है ऐसी बहुत बड़ी संख्याओं का पढ़ना समझना और इनकी तुलना करना कठिन होता है इन संख्याओं को सरलता से पढ़ने समझने और इनकी तुलना करने के लिए हम घातांकों, यानी एक्सपोनेंट्स का प्रयोग करते हैं इस अध्याय में हम घातांकों के बारे में सीखेंगे तथा यह भी सीखेंगे कि इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है तेरह दशमलव दो घातांक हम बड़ी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग करके संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं निम्नलिखित को देखिए दस हजार बराबर दस गुणा दस गुना दस गुना दस बराबर दस के ऊपर घात चार संक्षिप्त संकेतन दस के ऊपर घात चार गुणनफल दस गुणा दस, दस गुना दस गुना दस को व्यक्त करता है यहां दस आधार यानी बेस और चार घातांक कहलाता है दस के ऊपर घात चार को दस के ऊपर घात यानी पावर चार या केवल दस की चौथी घात पढ़ा जाता है दस के ऊपर घात चार को दस हजार का घातांकीय या रूप यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है यहाँ एक चित्र दिया है जिसमें एक छात्रा सोच रही है दस के ऊपर घात तीन मीटर बराबर एक किलोमीटर दस के ऊपर घात पांच सेंटीमीटर बराबर एक किलोमीटर पृष्ठ दो सौ छियासठ हम इसी प्रकार एक हजार को भी दस की घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं ध्यान दीजिए कि एक हजार बराबर दस गुणा दस गुणा दस, दस बराबर दस के ऊपर घात तीन है यहाँ पुनः दस के ऊपर घात तीन संख्या एक हजार का घातांकीय रूप है इसी प्रकार एक लाख बराबर दस गुना, दस गुना दस गुना दस गुना दस गुना दस बराबर दस के ऊपर घात पांच है अर्थात दस के ऊपर घात पांच संख्या एक लाख का घातांकीय रूप है इन दोनों उदाहरणों में आधार दस है दस के ऊपर घात तीन में घातांक तीन है तथा दस के ऊपर घात पांच में घातांक पांच है हम संख्याओं को विस्तारित या प्रसारित रूप यानी एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखने के लिए दस सौ हजार इत्यादि जैसी संख्याओं का प्रयोग कर चुके हैं उदाहरणार्थ चार सात पांच छ एक बराबर चार गुणा दस हजार जमा सात गुणा एक हजार जमा पांच गुणा सौ जमा छुणा दस जमा एक है इसे चार गुणा दस के ऊपर घात चार जमा सात गुणा दस के ऊपर घात तीन जमा पाँच गुणा दस के ऊपर घात दो जमा छुणा दस जमा एक के रूप में लिखा जा सकता है निम्नलिखित संख्याओं को इसी प्रकार लिखने का प्रयत्न कीजिए एक सात दो पाँच छ चार दो छ छ तीन सात चार उपरोक्त सभी उदाहरणों में हमने वे संख्याएं देखी हैं जिनके आधार दस हैं परंतु आधार कोई भी संख्या हो सकती है उदाहरणार्थ इक्यासी बराबर तीन गुणा, तीन गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन बराबर तीन के ऊपर घात चार के रूप में लिखा जा सकता है यहाँ आधार तीन है और घातांक चार है कुछ घातों के विशिष्ट नाम हैं उदाहरणार्थ दस के ऊपर घात जो जो दस के ऊपर घात दो है इसे दस का वर्ग यानी टेन स्क्वेड भी पढ़ा जाता है दस के ऊपर घात तीन जो दस के ऊपर घात तीन है इसे दस का घन यानी टेन क्यूब्ड भी पढ़ा जाता है क्या आप बता सकते हैं कि पांच के ऊपर घात तीन यानी पांच के घन का क्या अर्थ है पांच के ऊपर घात तीन बराबर पांच गुणा पांच गुणा पांच, गुणा पांच बराबर एक सौ पच्चीस अतः हम कह सकते हैं कि एक सौ पच्चीस संख्या पांच की तीसरी घात यानी थर्ड पावर है पांच के ऊपर घात तीन में आधार तथा घातांक क्या है इसी प्रकार दो के ऊपर घात पांच बराबर दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, गुणा दो बराबर बत्तीस है जो दो की पांचवी घात है दो के ऊपर घात पांच में दो आधार है तथा घातांक पांच है इसी विधि के अनुसार दो सौ तिरतालीस बराबर तीन गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन, तीन, तीन बराबर तीन के ऊपर घात पांच चौसठ बराबर दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, दो बराबर दो के ऊपर घात छह सौ पच्चीस बराबर पांच गुणा पांच गुणा पांच गुणा पांच, पांच बराबर पांच के ऊपर घात चार आप संक्षिप्त रूप में लिखने की इस विधि को तब भी लागू कर सकते हैं जब आधार एक ऋणात्मक पूर्णांक हो माइनस दो के ऊपर घात तीन का क्या अर्थ है यहां एक चित्र में एक छात्रा को दर्शाया गया है जो बता रही है कि मैं दोनों प्रकार से पढ़ सकती हूं दस के ऊपर घात दो दस का वर्ग दो दस के ऊपर घात तीन दस का घन तीन साथ ही वो उसे ऐसे भी पढ़ सकती है दस के ऊपर घात दो यानी दस के ऊपर घात दो दस के ऊपर घात तीन यानी दस के ऊपर घात तीन प्रयास कीजिए ऐसे पांच और उदाहरण दीजिए जहां एक संख्या को घातांकीय रूप में व्यक्त किया जाता है प्रत्येक स्थिति में घातांक व आधार की पहचान भी कीजिए पृष्ठ दो सौ सड़सठ यह माइनस दो के ऊपर घात तीन बराबर माइनस दो गुणा माइनस दो गुणा माइनस दो बराबर माइनस आठ है क्या माइनस दो के ऊपर घात चार बराबर सोलह है इसकी जांच कीजिए कोई निश्चित संख्या लेने के स्थान पर आइए किसी भी संख्या ए को आधार लें तथा संख्याओं को निम्नलिखित रूप में लिखें ए गुणा ए बराबर ए वर्ग इसे ए का वर्ग या ए के ऊपर घात दो बढ़ा जाता है ए गुणा ए गुणा ए बराबर ए का घन इसे ए का घन या ए के ऊपर घात तीन बढ़ा जाता है ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए बराबर ए के ऊपर घात चार इसे ए के ऊपर घात चार या ए की चौथी घात बढ़ा जाता है ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए बराबर ए के ऊपर घात सात इसे ए के ऊपर घात सात या ए की सातवीं घात बढ़ा जाता है इत्यादि ए गुणा ए गुणा ए गुणा बी गुणा बी को ए घन बी वर्ग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है इसे ए का घन गुणा बी का वर्ग पढ़ा जाता है ए गुणा ए गुणा बी गुणा बी गुणा बी गुणा बी को ए वर्ग बी पर घात चार पढ़ा जाता है इसे ए का वर्ग गुणा बी पर घात पढ़ा जाता है प्रयास कीजिए व्यक्त कीजिए एक सात सौ उनतीस को तीन की घात के रूप में दो एक सौ अट्ठाइस को दो की घात के रूप में तीन तीन सौ तैतालीस को सात की घात के रूप में उदाहरण एक दो सौ छप्पन को दो की घात के रूप में व्यक्त कीजिए हल हमें प्राप्त है दो सौ छप्पन बराबर दो गुणा 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 दो अतः हम कह सकते हैं दो सौ छप्पन बराबर दो के ऊपर घात आठ उदाहरण दो दो का घन और तीन का वर्ग में कौन बड़ा है हल हमें प्राप्त है कि दो का घन बराबर दो गुणा दो गुणा दो बराबर आठ है तथा तीन का वर्ग बराबर तीन गुणा तीन बराबर नौ है चूंकि नौ आठ से बड़ा है इसलिए तीन का वर्ग संख्या दो का घन से बड़ा है यहां एक चित्र में एक छात्रा सोच रही है कौन बड़ा है दो के ऊपर घात आठ या आठ के ऊपर घात दो यही है हमारा उदाहरण तीन आठ के ऊपर घात दो और दो के ऊपर घात आठ में कौन बड़ा है हल आठ के ऊपर घात दो बराबर आठ गुणा आठ बराबर चौसठ है दो के ऊपर घात आठ बराबर दो गुणा 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 दो, दो बराबर दो सौ छप्पन है स्पष्टतया दो के ऊपर घात आठ आठ के ऊपर घात दो से बड़ा है उदाहरण चार ए घन गुणा बी वर्ग ए वर्ग गुणा बी घन बी वर्ग गुणा ए घन और बी घन गुणा ए वर्ग को प्रसारित रूप में लिखिए क्या ये सभी बराबर हैं हल ए घन गुणा बी वर्ग बराबर ए घन गुणा बी वर्ग बराबर कोष्ठकों में ए गुणा ए गुणा ए गुणा कोष्ठकों में बी गुणा बी बराबर ए गुणा ए गुणा ए गुणा बी गुणा बी एक वर्ग गुणा बी का घन बराबर ए के ऊपर घात तीन गुणा बी के ऊपर घात दो बराबर कोष्ठकों में ए गुणा ए गुणा ए गुणा कोष्ठकों में बी गुणा बी बराबर ए गुणा ए गुणा ए गुणा बी गुणा बी एक का वर्ग गुणा बी का घन बराबर ए के ऊपर घात दो गुणा बी के ऊपर घात तीन बराबर ए गुणा ए गुणा बी गुणा बी गुणा बी बी का वर्ग गुणा ए का घन बराबर बी के ऊपर घात दो गुणा ए के ऊपर घात तीन बराबर बी गुणा बी गुणा ए गुणा ए गुणा ए बी घन गुणा ए वर्ग बराबर बी के ऊपर घात तीन गुणा ए के ऊपर घात दो बराबर बी गुणा बी गुणा बी गुणा ए गुणा ए पृष्ठ दो ध्यान दीजिए कि पद ए का घन गुणा बी का वर्ग और ए का वर्ग गुणा बी का घन की स्थिति में ए और बी की घातें भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार ए का घन गुणा बी का वर्ग और ए का वर्ग गुणा बी का घन भिन्न भिन्न है इसके विपरीत ए का घन गुणा बी का वर्ग और बी का वर्ग गुणा ए का घन बराबर यानी एक ही हैं, चूंकि इनमें ए और बी की घातें एक ही हैं गुणन खंडों के क्रम से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस प्रकार ए का घन गुणा बी का वर्ग बराबर ए के ऊपर घात तीन गुणा बी के ऊपर घात दो बराबर बी के ऊपर घात दो गुणा ए के ऊपर घात तीन बराबर बी का वर्ग गुणा ए का घन है इसी प्रकार ए का वर्ग गुणा बी का घन और बी का घन गुणा ए का वर्ग भी बराबर है उदाहरण पांच निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणन खंडों की घातों के गुणन फल के रूप में व्यक्त कीजिए एक बहत्तर दो चार सौ बत्तीस तीन हजार चार सोलह हजार हल एक बहत्तर बराबर दो गुणा छत्तीस बराबर दो गुणा दो गुणा अठारह बराबर दो गुणा दो गुणा दो गुणा नौ बराबर दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन गुणा तीन बराबर दो का घन गुणा तीन का वर्ग ये प्रक्रिया यहाँ दर्शाई भी गई है इस प्रकार बहत्तर बराबर दो के ऊपर घात तीन गुणा तीन के ऊपर घात दो वांछित अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल वाला रूप दो चार सौ बत्तीस बराबर दो गुणा दो सौ सोलह बराबर दो गुणा दो गुणा एक सौ आठ बराबर दो गुणा दो गुणा दो गुणा चौवन बराबर दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा सत्ताईस बराबर दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन गुणा नौ बराबर दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन या चारो बीस बराबर दो के ऊपर घात चार गुणा तीन के ऊपर घात तीन वांछित रूप तीन हजार बराबर दो गुणा पांच सौ बराबर दो गुणा दो गुणा दो सौ पचास बराबर दो गुणा दो गुणा दो गुणा एक सौ पच्चीस बराबर दो गुणा दो गुणा दो गुणा पांच गुणा पच्चीस बराबर दो गुणा दो गुणा दो, गुणा, दो गुणा, पांच गुणा पांच गुणा पांच गुणा पांच या एक हजार बराबर दो के ऊपर घात तीन गुणा पांच के ऊपर घात तीन अतुल इस उदाहरण को निम्नलिखित विधि से हल करना चाहता है एक हजार बराबर दस गुणा सौ बराबर दस गुणा दस गुणा दस बराबर दो गुणा पांच गुणा दो गुणा पांच गुणा दो गुणा पांच चूंकि दस बराबर दो गुणा पांच है बराबर दो गुणा पांच गुणा दो गुणा पांच गुणा दो गुणा पांच बराबर दो गुणा दो गुणा दो गुणा पांच गुणा पांच गुणा पांच या एक हजार बराबर दो के ऊपर घात तीन गुणा पांच के ऊपर घात तीन क्या अतुल की विधि सही है चार सोलह हजार बराबर सोलह गुणा हजार बराबर दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा हजार चूंकि सोलह बराबर दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो है बराबर दो गुणा 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 पांच गुणा पांच गुणा पांच, चूंकि हजार बराबर दो गुणा दो गुणा दो गुणा पांच गुणा पांच गुणा पांच है बराबर दो गुणा 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 गुणा पांच गुणा पांच गुणा पांच गुणा या सोलह हजार बराबर दो के ऊपर घात सात गुणा पांच के ऊपर घात तीन उदाहरण छः निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए एक के ऊपर घात पांच माइनस एक के ऊपर घात तीन माइनस एक के ऊपर घात चार माइनस दस के ऊपर घात तीन और माइनस पांच के ऊपर घात चार हल एक हमें प्राप्त है एक के ऊपर घात पांच बराबर एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक बराबर एक, गुना एक वास्तव में एक की कोई भी घात एक के बराबर होती है पृष्ठ दो सौ उनहत्तर दो माइनस एक के ऊपर घात तीन बराबर माइनस एक गुणा माइनस एक गुणा माइनस एक बराबर एक गुणा माइनस एक बराबर माइनस एक तीन माइनस एक के ऊपर घात चार बराबर माइनस एक गुणा माइनस एक गुणा माइनस एक गुणा माइनस एक बराबर एक गुणा एक बराबर एक आप इसकी जांच कर सकते हैं कि माइनस एक की कोई भी विषम घात माइनस एक के बराबर होती है तथा माइनस एक की कोई भी सम घात प्लस एक के बराबर होती है माइनस एक के ऊपर विषम संख्या घात बराबर माइनस एक माइनस एक के ऊपर सम संख्या घात बराबर प्लस एक चार माइनस दस के ऊपर घात तीन बराबर माइनस दस गुणा माइनस दस गुणा माइनस दस बराबर सौ गुणा माइनस दस बराबर माइनस हजार पांच माइनस पांच के ऊपर घात चार बराबर माइनस पांच गुणा माइनस पांच गुणा माइनस पांच बराबर पच्चीस गुणा पच्चीस बराबर छः सौ पच्चीस अभी आप सुन रहे थे कक्षा सात की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राजेश कुमार निमेश वाचन स्वर गौरव मारवा तकनीकी समन्वयक बटिलैंग लिंगडो तकनीकी सहायक मयंक कुमार निर्माण सहयोग सौम्या मलिक निर्देशन व निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति सी आई टी एन नई दिल्ली भारत